नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14, 15 और 16 दिसंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 14 दिसंबर की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा, शुक्र पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और दोस्तों ये दिन अश्विनी नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो परिग नाम का शुभ योग रहेगा और शुक्रांत शुभ नाम का भी शुभ योग दिन रहने वाले हैं। दोस्तों, दिन राहु कल के समय शाम के 3 बजे से लेकर शाम के 4:19 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें और दोस्तों चंद्रमा दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो बुधवार का दिन होगा, शुक्र पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और दोस्तों भरणी नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन शिव नाम के शुभ योग की उपरांत ही राहु कल के समय दोपहर के 12:21 से लेकर दोपहर के 1:41 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा जो है वो मेष राशि पर ही संचार करेंगे। दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें 16 दिसंबर की तो दोस्तों गुरुवार के दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और दोस्तों दिन भरणी नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन शिव नाम के शुभ योग और सर्वार सिद्धि नाम का भी शुभ योग रहने वाले हैं और आखिरी दिन में बहुत ही अच्छे योग हैं। राहु कल के समय दोपहर के 1:41 से लेकर शाम के 3:01 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में आर्थिक मामलों में आप एक अच्छी स्थिति का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, यश में गुरु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी जिसके कारण आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। दोस्तों, धर्म के प्रति रुचि यश में बढ़ी रहेगी, अतः धर्म और समाज से आप संबंधित कार्य यश में संपादित करेंगे। वह दोस्तों, नेगेटिव की बात करें तो यश में जीवन साथी के माता पिता के साथ जो आपका संबंध ठीक नहीं है तो दोस्तों दोनों पक्षों के साथ बात करके सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। दोस्तों, आप अपने शांत और समझदारी पूर्ण व्यवहार से हर काम परेशानी को दूर कर सकते हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आप यश में सतर्क रहें। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए खुद का एक काम शुरू करने का समय हो सकता है। अगर आप में कोई विशेष कला का ज्ञान है या फिर आप अपनी किसी खूबी को करियर के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लानिंग करने का सही समय होगा। दोस्तों, यश में आपको अपने लिए फिर से नए सिरे से सोचने की आवश्यकता होगी। दिन आपके लिए लाभ देने वाले समय गुजरेंगे। दोस्तों, ये पूरे समय अपनी कोशिश आप जारी रखें। वह दोस्तों, इन सभी समयों में आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश समय जॉब में आपका मन लगने की थोड़ी कम संभावना है। दोस्तों, यश में आप बोरियत महसूस कर सकते हैं लेकिन दोस्तों नए काम की तलाश भी आप यश में कर सकते हैं और दोस्तों व्यवसाय और उन्नति के लिए काफ़ी यश में फायदेमंद साबित भी होगी। हालांकि दोस्तों, आपकी आमदनी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आप अपने प्रियतम से एक पल के लिए भी दूर रहना पसंद नहीं करेंगे और अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताएंगे। साथ में घूमने करने के अनेक मौके आपको यश में मिलेंगे। रोमांटिक पल आप अपने साथ में बिताएंगे, डिनर होगा, एक दूसरे को आप तोहफे देंगे। दोस्तों, यश समय वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा गुजरेगा। प्रेम संबंधों में समस्या आने की संभावना यश में नहीं है। दोस्तों, यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में केतु की उपस्थिति से गुदा रोग और चोट अथवा दुर्घटना आदि की संभावनाएं भी अधिक दिख रही है। इसलिए दोस्तों यश में आप सचेत और सावधान रहें तथा वाहन को सावधानीपूर्वक चलाएं। दोस्तों, यश में वस्तु आपके पक्ष में बनेगी
अतः गणेश जी धैर्य से काम लेने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो दोस्तों यश में आप कोई खोई हुई मंडली या फिर किसी खास व्यक्ति को फिर से ढूंढ लेंगे। आपको इससे अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपके प्रेमी जीवन में आया एक सकारात्मक मोड़ आपको काफ़ी खुशी दे सकता है, यानी दोस्तों आपको यश में आपकी खुशी में से दुगना खुशी आपको बढ़ा सकता है। गणेश जी कहते हैं कि आपको अपनी रोमांटिक भावनाओं को बढ़ावा देने और अपनी आत्मा को संतुष्ट करने का यश में मौका मिलेगा। वह दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपको खुद लगेगा कि व्यवसाय के लिए यश में बहुत ही खास होगा। दोस्तों आप जमकर बिक्री करने का समय में रहेंगे, दिन भर की थकान को भूल जाएंगे और अपने उत्पादन जो है उत्पादन क्षमता को और आर्थिक लाभ को आप बढ़ाएंगे और उनका आनंद लेंगे। आपकी पहल, कड़ी मेहनत और आगे ले जाने की क्षमता की बदौलत अभी और अच्छी आमदनी होनी है दोस्तों, जिसका आप उम्मीद भी कर रहे हैं। दोस्तों यह समय मूड के विचलित रहने से आपके प्रदर्शन में थोड़ा हानिकारक प्रभाव भी पड़ेगा। ठंडे दिमाग से अपने मन को संतुलित करने की आप कोशिश करें। एक बेहतर कल के लिए आप बुरी आदतों को छोड़ दें, इनसे आप दूर रहें। दोस्तों इन दिनों में आप योग का अभ्यास भी शुरू करें। वह दोस्तों यश में अध्यात्म की सहायता लेने का सही समय है, क्योंकि मानसिक तनाव को मार भगाने के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प होगा। ध्यान और योग आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। दोस्तों माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदारी करना आसान होगा। दोस्तों घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की यश में जरूरत होगी। दोस्तों यश में आपके प्रेम के जीवन में खुशियों का बहार आ सकता है। आपको जरूरत है तो बस अपने आँख कान खुले रखने की। दोस्तों इन दिनों में कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंद्वी को अपने गलत कामों का फल मिलेगा। कई बार मोबाइल चलाते चलाते आपको समय का भी पता नहीं चलता और फिर जब आप अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं तो आपको पछतावा भी होता है। दोस्तों बारिश को रोमांस से जुड़ा माना जाता है और दोस्तों यश में आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार के बारिश में भी डूबा हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों यश में आप पारिवारिक जीवन को अच्छा रखने के लिए बिस्तर पर क्रीम रंग का चादर का प्रयोग करें। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलते समय दही या फिर गुड़ या फिर चीनी मिलाकर सेवन करें। दोस्तों ये आपके कार्यों में सफलता कराएंगी। शायद दोस्तों घर से बाहर निकलते समय अपने पास कुछ धनराशि अवश्य रखें। इस धनराशि से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाने की चीज़ देकर निकल जाएं, कार्य में भी सफलता प्राप्त होगी। अगर दोस्तों आप कर्ज से परेशान हैं तो दोस्तों यश में आपको यश में सफ़ेद रुमाल लेना चाहिए, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल, गुड़ लें। दोस्तों मंदिर में जाकर रुमाल को रख दें, इन्हें सभी चीज़ों को हाथ में ले लें और 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। आपको बता दें, इसके साथ ही इनको इकट्ठा कर कहें और साथ ही दोस्तों इन्हें इकट्ठा कर कहें कि मेरी परेशानी दूर हो जाए तथा मेरा कर्जा उतर जाए। फिर दोस्तों इन शव को ले जाकर बहते जल में प्रवाह कर दें। यह प्रतिक्रिया आपको सोमवार के दिन करना चाहिए। अगर इसे विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति के सामने की जाए तो दोस्तों और भी अच्छा होगा। इसे आप 7 सोमवार तक जरूर करें। दोस्तों आपके सभी कर्जे खत्म होंगे और आपको कर्जों से मुक्ति होगा। तो दोस्तों ज़रूर आप इन उपायों को यश में कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही उपाय आपके जीवन के लिए यश में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो दोस्तों आप इन्हें जरूर करें।